हमारे संगठन के बहुत मजबूत स्तंभ पूर्व मुखिया वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हमारे पार्टी का बहुत बड़े लीडर के हैं सुखराम महतो जी। अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया है, फिलहाल ऑपरेशन थिएटर में है। सुखराम जी हम लोगों के बहुत मजबूत साथी पार्टी के हैं, गेनरपुर पंचायत के पूर्व मुखिया और उनकी पत्नी वर्तमान में सरपंच भी हैं। हम लोग को सूचना मिली तो उस खबर पे हम लोग यहाँ अध्यक्ष जी के साथ हम लोग पहुँचे हैं। अभी अभी बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बदमाशों ने एक पूर्व मुखिया को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। बदमाशों ने एक पूर्व मुखिया को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मामला बीरपुर प्रखंड के गेनहरपुर पंचायत का है। पूर्व मुखिया सुखराम महतो को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा कि वह कहीं से आ रहे थे, इसी दौरान घर से कुछ ही दूर पर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जैसे ही लोगों को खबर मिली, लोग आनन फानन में इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। कहा जा रहा है कि घायल होने के बावजूद भी उन्होंने पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद लोगों ने उन्हें शहर के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। और लोग बड़ी संख्या में यहाँ देखिए आ गए हैं उन्हें देखने के लिए, हालचाल जानने के लिए। हमारे साथ हैं भाजपा के नेता हैं आशुतोष कुमार हीरा। हम पहले इनसे जानते हैं कि क्या घटना जानकारी मिली आप लोग। जब वो किसी नौते को पूर करके आ रहे थे तो तीन लड़का पहले से घात लगा के बैठा हुआ था और इनको गोली लगी। जब गोली लगी तो इन्होंने तुरंत संबंधित थाना प्रभारी को फ़ोन किया कि सर हमको गोली लगी है, हमारी जान बचाइए। और मोटरसाइकिल से जब वो चले तो संजोग से मोटरसाइकिल का तेल भी समाप्त हो गया। फिर दूसरी गाड़ी से वो पहुंचते हैं वहाँ के स्थानीय जो PMC होता है वो स्वास्थ्यखाना में, और वहाँ से एम्बुलेंस से यहाँ पे पहुँचाया गया। गोली पंजरे में लगी है, इस पार से लगी है, इस पार अभी निकली नहीं है, डॉक्टर साहब निकालने के प्रयास में है। आपका क्या नाम हुआ? नागमणि साहु, गेनहरपुर पंचायत का वासी हूँ। आपको क्या जानकारी मिली? जानकारी मिली यही जो मुखिया जी नौतापुर का रह गए थे काटपुर करके, और तीन आदमी से रोड पर खड़ा थे और सामने आए और गोली चला दिए उनको, गोली पंजरा में लगी। जानकारी मिली हम लोग जैसे थे समाज के लोग वैसे हम चल दिए सब पब्लिक। देखिए हम को जानकारी मिली मुखिया जी को गोली लगा, तत्परता के साथ मैंने यहाँ पहुँचा। स्थिति उनका बहुत ही नाजुक है और डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में हैं, कर रहे हैं, निकलने के बाद क्या होता है। तो कहाँ घटना हुई जानकारी मिली आपको? हाँ, ये गेनहरपुर पंचायत उन्हीं के पंचायत में ही चौक, उनके घर के बगल में चौक था, उसी के पास घर से कुछ ही दूरी पर। हाँ, कुछ ही दूरी पर वो नौतापुर के कहीं कार्ड आमंत्रण था, वहीं से नौतापुर करके आ रहे थे, उसी में घात लगाए हुए अपराधियों ने उस पर गोली चला। पहले से घात लगाया था? जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरोज कुमार कुशवाहा। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर मुबारकपुर फुलकारी सहरी पंचायत। एक बात जान लीजिए, वो पंचायत के मुखिया नहीं थे, आम जनमानस के मुखिया थे। काफ़ी लोकप्रिय हैं? बहुत ही लोकप्रिय, पूरे ज़िले में उनका बहुत एकदम स्वच्छ, अभी तीन बार मुखिया रहे, दो बार उनकी दूसरी बार लगातार उनकी पत्नी सरपंच के रूप में, अभी भी वर्तमान में सरपंच हैं उनकी पत्नी और सरपंच प्रतिनिधि भी हैं। हमारे साथ हैं राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव, अभी यहाँ आए हैं देखने के लिए, क्या जानकारी मिली आप लोगों को? हमारे संगठन के बहुत मजबूत स्तंभ पूर्व मुखिया वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हमारे पार्टी का बहुत बड़े लीडर के हैं सुखराम महतो जी। अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया है, फिलहाल ऑपरेशन थिएटर में है। अब इस घटना को हम लोग जायजा ले रहे हैं किसके द्वारा ये घटना किया गया है, प्रशासन को इस बात का हम लोग सूचना दे चुके हैं। जी सुखराम जी, हम लोग के बहुत मजबूत साथी पार्टी के हैं, गेनहरपुर पंचायत के पूर्व मुखिया और उनकी पत्नी वर्तमान में सरपंच भी हैं। हम लोग को सूचना मिली तो उस खबर पे हम लोग यहाँ अध्यक्ष जी के साथ हम लोग पहुँचे हैं, और इसमें प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैदी से
मामले को छानबीन कर रही है और काफ़ी तेजी में एक्शन लेते हुए उनको उठाकर यहाँ पहुँचाने का भी काम किया। इसके लिए भी प्रशासन को हम लोग धन्यवाद देंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द मुखिया जी स्वस्थ होकर हम लोग के बीच आवें।